सा नाश्ता जो बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा ही और बड़ों को भी खूब खा करके मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं हम इस रेसिपी को। तो इसको हम मैंने नाम दिया है पोटैटो पिज्ज़ा। तो देखिए किस तरह से बनते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसके लिए मैंने ये छोटे छोटे 6 आलू थे बॉईल करके हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने मैश कर लिया। फिर उसके बाद अब इसमें डाल देंगे हम, आपके पास कोई भी वेजीज हो, मैंने एक बड़ा सा प्याज चॉप करके डाल दिया, एक गाजर ग्रेट करके डाल दिए, आपके पास कैप्सिकम हो, मेरे पास नहीं है, कैप्सिकम डाल सकते हैं आप, तो अपनी मनपसंद सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये मैंने कॉर्न ले लिया, बॉयल कॉर्न 2 चम्मच बड़े। तो इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे नहीं, थोड़ा सा हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमने इस तरह से इसे ग्राइंड कर लिया मकई को, कॉर्न को। तो अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। पैन में हमने 1/2 चम्मच बटर डाल दिए, 8-10 के लिए लहसुन के चॉप करके डाल देना है। आप कच्चे भी डाल सकते हो, लेकिन थोड़े से हम फ्राई करके डालेंगे तो उसका टेस्ट गजब का टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका और स्मेल आती है। लहसुन रोस्ट हो चुका है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्ची। आप सोचेंगे इतनी सारी हरी मिर्ची, नहीं फ्रेंड, ये बहुत ही कच्ची कच्ची हरी मिर्ची है, इससे इसको हम थोड़े से फ्राई कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा इसका। अब इसी के अंदर हमने जो कॉर्न हमने ये कर लिए थे, ग्राइंड कर लिए थे, उसको डाल देंगे इसमें। इसको भी थोड़ा सा हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हो गया हमारा इसका कच्चापन, इसका कच्चा टेस्ट जो है हल्का सा निकल गया, बस हो गया। अब इसको हम रख देते हैं, वापस हम आलू के तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा कुछ और मसाले ऐड कर देंगे। ये हमारा पिज्ज़ा सीजनिंग है, 1/2 चम्मच हमने पिज्ज़ा सीजनिंग डाल दिया, 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च डाल दिया। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने के लिए हमने इसमें पिज्जा सॉस 1 चम्मच डाल दिया, 1 छोटा चम्मच हमने डाल दिया चिली फ्लेक्स। सॉफ्ट और हेल्दी ये फ्लॉपी होने के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि इसमें इसके अंदर हम डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं हम। इसमें बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे मैदा, मैदा से हमारा पिज्ज़ा का जो बेस टाइप का वो भी बन जाएगा और इसमें बाइंडिंग भी आ जाएगी और टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर हम जो हमने कॉर्न और लहसुन हरी मिर्ची जो हमने फ्राई करके रखा था उसको ऐड कर देंगे। आपके पास मोजरेला चीज़ है तो वो डाल सकते हो, मेरे पास स्लाइस चीज़ें हैं और उसको मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, इसको ऐड कर देंगे। इसे हम हाथ से मिक्स करेंगे, चॉपिंग बोर्ड में या सरफेस में आप हल्का सा तेल लगा लीजिए। तेल लगा के इस तरह से मैंने स्क्वायर शेप में देने की कोशिश, इससे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो ये देखिए फिर से मैं एक आपको बना के दिखा देती हूँ। हमने पैन रख दिया था गर्म होने के लिए, इसे हम पैन में डाल देंगे, इसको पैन में डाल देंगे और भी लो फ्लेम में इसे हम पकाएंगे। इसको लेड लगा के हम उलट पुलट करके इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। फिर से एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये हमने ले लिया अच्छा से, इसको हम चॉपिंग बोर्ड में थोड़ा सा हल्का सा बेल लेंगे, कटर की सहायता से हम इसको इसका शेप में दे दें। आप कोई सा भी शेप दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको शेप ही दो। ये देखिए बढ़िया से हमारा, आपसे नहीं होता तो आप मैदा लगाकर इसको बेल भी सकते हो। मैंने एक बार पलट दिया था, दूसरी साइड भी हमारी थोड़ी सी और सिकेगी।
कितना बढ़िया हमारा क्रिस्पी हो गया ऊपर से नाश्ता। तो हम इसको साइड से भी ऐसे ही थोड़े से घुमा घुमा कर इसको सेक लेंगे, जिससे हमारा एजेस भी अच्छा से फ्राई हो जाए और थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बन गया एकदम से परफेक्टली। खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। तो इसे निकाल लेते हैं, फिर बाकी का भी हम बना लेंगे। दूसरा बैच भी हम डाल देते हैं। लीड लगा देंगे और लो फ्लेम में हम इसे पका लेंगे। सबसे बढ़िया बात है इस नाश्ते में आपके ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। हमने डीप फ्राई नहीं किया, शोले फ्राई किया, वो भी बहुत कम तेल में। देखिए दूसरा बैच भी हमारा बन के रेडी हो गया। तो चलिए अभी इसे हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमारी ज़बरदस्ती नाश्ता बनकर तैयार हो गया। देखने में इतने टेम्पटिंग लग रहा है, मैं तो चली खाने। ट्रेंड मेड ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। डिश अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले कोई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।